हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज के सेशन में हम लोग 29 जनवरी और 30 जनवरी दोनों का कंबाइन क्लास यहाँ पे करेंगे। दोनों का कंबाइन हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। ये हमारा नैनो करंट अफेयर्स का सीरीज है, ठीक है? तो हम लोग दोनों ही दिन के करंट अफेयर्स को एक एक करके देख लेंगे, और जो सोर्स है वो है प्रतियोगिता दर्पण का, ठीक है? काफी ऑथेंटिक सोर्स है। तो पहले देख लेते हैं 29 जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं, वो भी क्वेश्चन के माध्यम से। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार ब्रांड वैल्यूएशन में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही? तो कौन सी कंपनी रही? एप्पल, ठीक है? नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी? तो पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी? तो वो शिवांगी सिंह बनी, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार किया? तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो? पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अब किस पद को लेने से इनकार कर दिया? तो पद्म भूषण पुरस्कार को लेने से उन्होंने मना कर दिया। नेक्स्ट, मिलिना सालिविनी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो प्रसिद्ध क्या थी वो? कथकली नृत्यांगना थी, ठीक है? नेक्स्ट, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो कौन सा देश रहा? डेनमार्क, ठीक है? नेक्स्ट, रूस, ईरान और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 शुरू किया? किसने किया? चीन ने किया, ठीक है? नेक्स्ट, आईएमएफ ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? कितने प्रतिशत? 9%, ठीक है? नेक्स्ट, T20I महिला क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रही? तो ये सैफाली वर्मा रही, ठीक है? नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने किस तट पर समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPP 2022 आयोजित किया? ये पश्चिमी तट पर किया। नेक्स्ट, किस राज्य को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला? किस किस राज्य को मिला? केरल को मिला। नेक्स्ट, 29 जनवरी का ये लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी 2022 की थीम क्या रखी गई है? क्या रखी गई है? तो एक डाटा संस्कृति को अपनाने और एक डाटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना, ये इसका थीम था, ठीक है? तो ये था हमारा 29 जनवरी का सारा इंपॉर्टेंट जितना करंट अफेयर्स था वो था नैनो मैगजीन के थ्रू। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 30 जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है? सोर्स हमारा प्रतियोगिता दर्पण ही है, ठीक है? पहला जो क्वेश्चन है वो है, भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए में एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंपा? तो कितने करोड़ रुपए में? तो 18,000 करोड़ रुपए में ये सौंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्च पुस्तक इटिल बॉय ऑफ इंडिया, अ इटिल बॉय ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? ये हैं रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में अपना भारतीय एयरटेल में 1 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो गूगल ने की है। किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में 1 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो गूगल ने की है, ठीक है? नेक्स्ट, रिलायंस जियो ने कहाँ भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग हब स्थापित किया है? तो कहाँ पे किया है? ये दिल्ली में किया है, ठीक है? नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया? किस राज्य को? तो तमिलनाडु को ये
दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तमिलनाडु को, ठीक है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने वीरता के लिए 115 पुलिस पदक जीते? ये जम्मू कश्मीर ने जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो ये नरेंद्र मोदी ने की। नेक्स्ट, किस देश के प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलेना सल्विनी का निधन हुआ? किस देश की थी वो? फ्रांस की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कॉमिक बुक इंडियाज वुमेन एंड अनसंग हीरोज का विमोचन किसने किया? तो ये मीनाक्षी लेखा ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 एशियाई खेल हांगजो में किस खेल को शामिल किया गया? ये T20 क्रिकेट को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल अवचट का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? वो लेखक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा गोपनीय दिवस कब मनाया गया? तो यह 28 जनवरी को मनाया गया, 28 जनवरी, ठीक है, मनाया गया, हाँ 28 जनवरी को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए समझौता किया है? किस देश के साथ? तो रूस के साथ इन्होंने किया, रूस के साथ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 29 जनवरी का, 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 157, ठीक है, 157वीं जयंती ये मनाई गई, 157 है, ठीक है, 157, 197वीं जयंती मनाई गई। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, आई होप इससे आपको बेनिफिट होगा। दोनों ही दिन का मैंने कंबाइन कर लिया क्योंकि बीच में छूट गया था, ठीक है, ये नैनो मैगजीन का सीरीज, तो किसी दिन छूट जाता है तो मैं इसको आगे कवर कर ही दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।